हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। और ये मूवी साल 2021 में रिलीज हुई। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सन 1981 की एक सच्ची कहानी है, जहाँ पर एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में 8 साल का एक बच्चा है जिसका नाम डेविड है। डेविड के अंदर शैतान का एक साया है, इसीलिए यहाँ पर एड एंड लोरेन को बुलाया गया है, क्योंकि ये एग्जॉरिज्म का काम करते हैं। डेविड जब अपने कमरे में होता है, तभी उसके अंदर वो शैतान हावी हो जाता है। डेविड कमरे से बाहर आता है और सब पर हमला कर देता है। डेविड को सब मिलकर पकड़ लेते हैं और इसके बाद चर्च के फादर होली बुक से स्पेल्स पढ़ते हैं। और इससे पहले कि वो अपने स्पेल्स को पूरा करते, यहाँ पर चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि फादर जख्मी हो जाता है। अब एड किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इतनी हलचल होती है कि वो चाहकर भी स्पेल नहीं पढ़ पाता। इसीलिए डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड, जो कि डेविड से बहुत प्यार करता है, वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और शैतान से कहता है कि बच्चे को छोड़ दो, और अगर तुम चाहो तो मेरी बॉडी में आ सकते हो। ठीक इसी के बाद एड को दिल का दौरा पड़ता है और वो सब कुछ देख रहा होता है, और यहाँ पर सब कुछ पीसफुल हो जाता है। 8 साल का डेविड, जो कई महीनों से इस दर्द को सह रहा था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी फैमिली पहले की तरह नॉर्मल हो गई। वहीं पर एड को देखते हैं, जिससे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि इन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और मैंने ऑपरेशन कर दिया है, पर इन्हें रिकवर होने में कुछ महीने लग जाएंगे। कुछ महीनों के बाद एड को होश आता है, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें उस फैमिली को आगाह करना होगा कि उनकी जान खतरे में है। लोरेन कहती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, डेविड अब पूरी तरह से ठीक है। एड बताता है कि शैतान अब डेविड के अंदर नहीं बल्कि एडनी के अंदर है, मैंने खुद देखा है। ये सुनकर लोरेन टेंशन में आ जाती है और पुलिस को फोन करके कहती है कि तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ब्रूमफील्ड में एक फैमिली है जहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आपको वहां जाना होगा। ब्रूम फील्ड में दिखाया जाता है कि एर्नी अपनी गर्लफ्रेंड और लैंडलॉर्ड के साथ पार्टी कर रहा होता है कि तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर शैतान आ जाता है और उसके बाद वो अपने लैंडलॉर्ड को मार देता है। एर्नी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल भी ले जाया जाता है। वहाँ पर एड और लोरेन दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर होती है। एड और लोरेन एर्नी के सामने कुछ होली चीजें रखते हैं और उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। एर्नी ऐसे ही करता है, लेकिन शैतान बाहर नहीं आता। लोरेन कहती है कि हमने जितनी भी हॉली चीजें रखी हैं, ये काफी है किसी भी शैतान को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब ये है कि एर्नी में शैतान नहीं है। एर्नी कहता है कि मैंने उस शैतान को मेरी बॉडी के अंदर जाने की इजाजत दी थी, इसके आगे जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। इसके बाद एर्नी को जज के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। एर्नी की लॉयर कहती है कि मेरा क्लाइंट खुद को बेकसूर साबित करने की अपील कर रहा है और इसकी वजह यह है कि वो शैतान के काबू में है। एड और लोरेन भी कोर्ट में होते हैं और इसी तरह ये अमेरिका की हिस्ट्री का पहला केस बन जाता है। अब कोर्ट से निकलने के बाद एड और लोरेन डिसाइड करते हैं कि वो इस केस को दोबारा से स्टडी करेंगे, जब पहली बार डेविड पर शैतान ने कब्जा किया था। वो लोग डेविड की फैमिली की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो आज से 5 महीने पहले इस घर में शिफ्ट हुए थे। घर में शिफ्ट होने के बाद जब डेविड एक कमरे में जाता है, तो वहाँ पर एक वाटर बेड होता है। वो उस बेड के ऊपर खेलना शुरू कर देता है और अगले पल उस बेड के अंदर से एक हाथ निकलता है, जो डेविड को पकड़ लेता है। डेविड इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और दीवार के साथ चिपक कर बैठ जाता है। एड और लोरेन अब डेविड के घर जाते हैं। वो उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो वाटर बेड था और उसके नीचे कुछ अजीब से निशान होते हैं। डेविड की बहन बताती है कि वाटर बेड से पानी निकल गया था, इसलिए फ्लोर खराब हो गया है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ये फ्लोर पानी से खराब नहीं हुआ। इसके बाद लोरेन उसी घर के बीच बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर एक बहुत अजीब चीज होती है। लोरेन उसकी फोटो खींच लेती है और जब वो ऊपर आती है, तो वो सबको बताती है कि इस चीज का इस्तेमाल काले जादू के लिए किया जाता है। किसी ने जानबूझकर शैतान को डेविड की बॉडी में भेजा था। अब ये किसने किया है, हमें ये पता लगाना होगा। वहीं पर जेल में एर्नी को दिखाया जाता है, जो सफाई कर रहा होता है, और तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और अगले ही पल में मरा हुआ लैंडलॉर्ड सामने बेड पर बैठा होता है। अब उसके पीछे से एक साया आता है, जो एर्नी को पकड़ लेता है, और फिर दिखाया जाता है कि आसपास कोई भी नहीं होता।
वहीं पर एड और लोरेन को एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जो चीज उन्हें डेविड के घर से मिली थी ठीक ऐसे ही चीज उनके पास भी है। पुलिस वाला बताता है कि दो लड़कियां अपने घर से लापता हो गई थी। उसके बाद एक लड़की की डेड बॉडी जंगल में मिली। उस लड़की को उसी तरह से मारा गया जिस तरह से एर्नी ने अपने लैंड लॉर्ड को मारा था। अब ये सब के सब उस क्राइम सीन पर जाते हैं। अब लोरेन को सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है और वो उसी तरह से एक्ट करना शुरू हो जाती है जिस तरह से उस लड़की ने अपनी दोस्त को मारा था। उसके ऊपर भी शैतान हावी हो गया था। अपनी दोस्त को मारने के बाद जब वो वापस अपने सेंसेस में आ गई थी तो वो इस जगह से भाग गई थी। लोरेन भी उसी तरह भागना शुरू कर देती है और इससे पहले कि वो तालाब में गिरती एड उसे आवाज देकर रोक लेता है। पर अगले पल वहां से एक हाथ आता है जो लोरेन को नीचे खींचता है। एड उसे पकड़ कर वापस ऊपर ले आता है और अब लोरेन पुलिस वाले को बताती है कि जिस लड़की की तलाश तुम्हें है उसकी बॉडी इस तालाब के अंदर है। पुलिस को उस लड़की की बॉडी मिल जाती है और इस तरह से ये केस सॉल्व हो जाता है। अब एड और लोरेन अपने घर पर आते हैं। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा बल्कि कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। लोरेन बताती है कि जब मैंने डेविड का हाथ पकड़ा था तो कहीं ना कहीं मैं उस इंसान से जुड़ गई थी जो ये सब कुछ कर रहा है। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है। और अगर हमें उस इंसान को ढूंढना है तो हमें उस लड़की की डेड बॉडी के पास जाना होगा जो आज हमें तालाब से मिली थी। एर्नी और ये केस एक दूसरे से कनेक्शन में है। इसके बाद ये दोनों फ्यूनरल हॉल पहुंच जाते हैं जहां पर लोरेन उस लड़की की डेड बॉडी का हाथ पकड़ती है। जैसे ही वो हाथ पकड़ती है तो वो एक बार फिर उस इंसान से जुड़ जाती है जो ये सब कुछ कर रहा है। एक अजीब सी जगह होती है जहाँ पर कोई काला जादू कर रहा होता है। लोरेन उसकी शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि ये उसी की आंखों से देख रही होती है। लोरेन देखती है कि वो कोई अजीब सी चीज पड़ती है जिसके बाद वो एर्नी को अपने काबू में कर लेती है और उसी से उसके हाथ की कलाई को कटवा देती है। और इससे पहले कि वो एर्नी को पूरी तरह से मार पाती लोरेन चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हें गॉड के नाम पर हुक्म देती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा। ठीक उसी वक्त सब कुछ रुक जाता है और इस तरह से एर्नी की जान बच जाती है। एड और लोरेन एर्नी की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं जहाँ पर इन्हीं का एक दोस्त इन्हें एक किताब दिखाता है जिसमें जादू की बातें होती हैं और इसमें लिखा होता है कि अगर ये सब कुछ रोकना है तो वो जगह ही खत्म करनी होगी जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। डेबी लोरेन से कहती है कि आप उस तक पहुँच गई थी, आपने उसे देखा है, हो सकता है कि वो हार मान ले और दोबारा ऐसा ना करे। लोरेन उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो भी इस तरह की चीजों को शुरू करता है उसे खत्म करना पड़ता है नहीं तो उसकी खुद की जान चली जाती है। लोरेन सबको बताती है कि जब उसकी सॉल वहाँ पर गई थी तो वो एक अजीब सी जगह थी जहाँ छत से पानी टपक रहा था, साथ ही उसने ट्रेन की आवाज भी सुनी थी जो कि बहुत दबी दबी आ रही थी। हो सकता है कि वो जगह जमीन के नीचे हो। अब एड जब जाने लगता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही औरत है जो ये सब काला जादू कर रही है। वो एड से कहती है कि तुमने और तुम्हारी वाइफ ने भूतिया चीजों को जमा कर रखा है। एड कहता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि तुम बस हार मत माना और फिर वो गायब हो जाती है। लेकिन तभी एड पर एक शैतान हमला करता है। एड अपना क्रॉस निकालता है और उस शैतान को मारने ही वाला होता है कि उसका हाथ पकड़ लेता है और वो देखता है कि वो जिसे मारने वाला था वो उसकी ही वाइफ थी। लोरेन एड से कहती है कि ये सब कुछ वही औरत कर रही है। इसके बाद वो घर की तलाशी लेते हैं। एड कहता है कि वो यहीं पर थी और तभी एड को गमले के अंदर से वही अजीब चीज मिलती है। इसके बाद लोरेन डेबी को कहती है कि आज तुम्हें एर्नी के पास जाना चाहिए, अपने साथ फादर को भी ले जाना, उसकी जान को खतरा है। उस किताब को लेकर लोरेन चर्च के फादर के पास जाती है जिनके पास वो पहले भी आई थी। किताब को पढ़ने के बाद फादर कहता है कि इस कर्ज को पूरा करने के लिए 3 सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, एक बच्चा, दूसरा लवर और तीसरा वो आदमी जो गॉड पर बहुत ज्यादा बिलीव रखता हो। फादर फिर एक एल्बम दिखाता है जिसमें एक बच्चे की फोटो होती है। वो लोरेन को बताता है कि मेरी वाइफ बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी, अपने बच्चे के बारे में कभी चर्च को नहीं बता पाया क्योंकि ये एक ऐसा चर्च है जहाँ सिर्फ वही रह सकते हैं जिनकी कभी शादी नहीं हुई। वो लोरेन को कहता है कि सबकी निगाहों से बचाकर मैंने अपनी बेटी को इस चर्च में पाला और यहाँ पर ये सब स्टडी भी करता था जिसका मेरी बेटी पर बहुत असर पड़ा। इसके बाद जब वो अपनी बेटी का जवानी का फोटो दिखाते हैं तो लोरेन हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही होती है जिसकी उन्हें तलाश है।
फादर कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। इस चर्च के नीचे बहुत सारी सुरंगें हैं, उसकी जगह तुम्हें वहीं पर मिलेगी और तुम्हें उसे तोड़ना होगा। तभी इन्हें एहसास होता है कि फादर की बेटी आसपास ही है। फादर लोरेन को टॉर्च देते हैं और कहते हैं कि जाओ नीचे, कई रास्ते हैं, लोरेन वहाँ से चली जाती है। फादर की बेटी उसके पास आती है और वो अपने ही डैड को मार देती है। इसके बाद वो लोरेन तक भी पहुंच जाती है और इससे पहले कि वो उसे चाकू से मारती, लोरेन पत्थर उठाकर उसे मारती है और उस जगह से भाग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एड भी अब उस जगह पर पहुंच चुका है। वो नीचे बेसमेंट में आ जाता है। फादर की बेटी एक बार फिर अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपने जादू से एड और एनी को काबू में कर लेती है, जो लोरेन को दिखता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं पर एनी को दिखाया जाता है जिसे बेड के साथ बांधा होता है और वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। फादर भी स्पेल्स पढ़ रहे होते हैं। वहीं एड अब लोरेन के पास पहुंच जाता है इससे पहले कि वो उसे मारता। लोरेन कहती है कि उसे लगता है कि हमारा प्यार हमारी कमजोरी है, लेकिन हमारा प्यार हमारी ताकत है, तो मुझे याद करो। ये सब सुनने के बाद एड अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और वो लोरेन को ना मार कर उस पूरी जगह को तोड़ देता है, जिससे कि वो कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद फादर की बेटी चाकू लेकर उनके पास आती है। एड कहता है कि तुमने शैतान को एक सोल देने का वादा किया था और वो हेल में उसे लिए बिना नहीं जाएगा, और फादर की बेटी को मार देता है। गाइस, एनी को 5 साल की सजा दी जाती है। सजा खत्म करने के बाद वो डेबी से शादी कर लेता है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।